इस समय हम गांव कंडेला में मौजूद हैं और कंडेला के मौजूदा सरपंच अजमेर सिंह हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, कंडेला के जो महंत सुकराईनाथ योगी हैं, जिनको कोसपीठ का पीठाधीश्वर घोषित किया जा चुका है, उन्हीं के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है, उसकी पड़ताल के लिए हम गाँव में पहुँचे हैं। तो सरपंच साहब से हम जानने का प्रयास करेंगे, उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है, और गांव में जब तक वो रहे इस दौरान उन्होंने गांव के लिए क्या किया। जी, हमारे गांव के महंत श्री सुकराईनाथ जी बहुत ही अच्छे और नेक विचार के महंत जी हैं। इन्होंने गांव के विकास के लिए नौजवानों को अच्छी गाइडनेस और अच्छा प्रोत्साहन दिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी काफ़ी विचार दिए हैं, और नौजवानों को नशे की लत से बचाने के लिए महीने दो महीने में नौजवानों को बुलाकर नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करते हैं। और जो युवा बच्चे हैं जो खेल संगठन में भाग लेते हैं, उनको भी प्रोत्साहन दे करके उनका हौसला जाया करते हैं। तो सरपंच साहब, जैसे अभी फिलहाल जो एक आरोपों का दौर चला हुआ है जब से उनको जो पीठ का, हाँ, जो ये हमारे सुकराईनाथ जब आरोपों का जो दौर चल रहा है ये सरासर झूठा है, क्योंकि वो जो डेरा में मंत्री की गद्दी दी हुई है उसको उस पर वो सहन नहीं है। जैसे कि हमारे सुकराईनाथ जी यहाँ से जगह स्थान बदला है, उसके लिए हमारे गांव के काफ़ी परेशान हैं, और वहां पर जो डेरे में सीट ली गद्दी ली है वो लोग परेशान हैं। जैसे हमारे सुकराईनाथ महंत जी है, इस प्रकार के योगी सिद्ध महाराज तो अनेकों हों तो तभी जाकर भ्रष्टाचार और ये गांव का विकास कार्य सुधार और बच्चों में प्रोत्साहन की परेशान की जो आप बात करें, ग्रामीण परेशान है, मतलब उनके जाने की वजह से परेशान है, उनके यहाँ से जाने के लिए जाने से वो यहीं रहे थे तो यहीं रहे। हाँ जी, हाँ, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। हाँ जी।